ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। पूरी दिल्ली इस वक्त दंगों के दर्द में डूबी हुई है। दिल्ली में 40 से ज्यादा परिवारों का सब कुछ तबाह हो चुका है। दंगों ने सब खत्म कर दिया। संपत्ति के नुकसान की भरपाई तो की जा सकती है, लेकिन जिसका बेटा, जिसका भाई, जिसका पति दंगों में मारा गया, वो कभी लौट कर वापस नहीं आएंगे। दिल का जो कोना सूना पड़ गया है, वो भी अब जिंदगी भर सूना ही रहेगा। दंगे के दर्द में डूबे दिल्ली, मातम, दुख, दर्द, पीड़ा, आंसू, सूनापन, दंगा दिल्ली के लोगों को जिंदगी भर का दर्द दे गया है। एक एक मौत के पीछे बेबसी की कहानी है। जब अंधी भीड़ मौत का सामान लिए खड़ी थी, दिल्ली की गलियां भीड़ से जाम हो रही थी, 40 से ज्यादा लोगों की जान गई, लोगों को अस्पताल तक पहुंचा पाना मुश्किल हो रहा था, ऐसी कितनी ही दर्दनाक कहानियां समेटे हुए है दिल्ली का दंगा। दंगे से पीड़ित हर परिवार का दर्द आज देश देखेगा। ये राहुल सोलंकी का परिवार है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के बाबूनगर में रहने वाले इस परिवार ने अपना बेटा दिल्ली के दंगों में खो दिया है। परिवार ने आरोप लगाया है कि दंगा फैलाने के लिए पास ही के राजधानी स्कूल की इमारत का इस्तेमाल हुआ था। दिल्ली हिंसा में बहुतों ने अपने को खो दिया है। कुछ लोगों ने अपने घर खोए हैं, कुछ ने अपनी दुकानें, लेकिन जो कभी वापस नहीं आ सकते वो हैं अपने। मैं इस वक्त राहुल सोलंकी के घर पे मौजूद हूँ। उनका परिवार है, परिवार सदमे में है। माँ का और बहन का, रोरू का बुरा हाल है। रिश्तेदार जुटे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन एक बार फिर से मैं उस दिन का वाक्या क्या रहा मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी। इनकी माँ और पिता और बहन यहाँ पर मौजूद हैं। सर, मैं सबसे पहले राहुल के बारे में जानना चाहूँगी, कितनी उम्र थी उनकी, क्या करते थे वो? 26-27 साल की उम्र थी उसकी। और मैडम जी, वो जूनियर इंजीनियर था। मैं घर पे आ गया तो सब लोग बैठे हुए थे, तो चाय बनाने के लिए, जब चाय बनाई तो दूध फट गया, तो दूध लेने के लिए पाल डेरी पे मेरा रहा, थोड़ा की बेटा मेरा गया दूध लेने के लिए। तो वहाँ पे कुछ लोग दूध लेने गया, तो कुछ लोग इकट्ठे हुए, तो साइड में खंभे पे खड़ा हो गया। शायद आप मौका देख के आए होंगे। दूध लेने जा रहा था उधर, जब भीड़ भाड़ देखी तो वो पीछे ही रुक गया। तो मैडम जी, वो दूध तो नहीं ले पाया, लेकिन एकदम वहाँ से पब्लिक टूट पड़ी उधर गली से। शाम को मेरे को मीडिया सूत्रों के माध्यम से जब पता चला है कि राजधानी स्कूल में वहाँ पर मौत का सामान पाया गया है मीडिया के माध्यम से। मैं ये जा रहा हूँ, जैसे कि आप निगम पास ताहिर हुसैन के यहाँ पाया गया है, ऐसे मौत का था हमारे इसके यहाँ पाया गया। इसके यहाँ से निकले हुए लोगों ने ही जो मौत का सामान इकट्ठा कर रखा, मेरे बेटे को गोली मारी है। जो स्कूल के मालिक हैं उनकी सह है, और कुछ लोग गोपनीय लोग भी हैं, बाहर के हों चाहे भीतर के हों चाहे यहाँ के हों। मैडम जी, मैं तो ये चाहता हूँ इन पे स्कूल वालों पे भी, राजधानी वालों पे FIR होनी चाहिए। हरिंदर है, वो मोटरसाइकिल साथ मेरी ले गया, मोटरसाइकिल में तेल खत्म हो गया, सिब्यार में पहुंचे। सिब्यार से मेरे, मैंने अपने रिश्तेदारों की, सूरज भांजी की मोटरसाइकिल ली, हरिंदर साथ लेके लोनी। जब पहुंचा तो मेरा बेटा कफन ओढ़ के सो रहा था। मैडम जी, कानून का राज नहीं है, मोदी जी कहते एक कानून एक देश। क्योंकि अधिकारियों को जंजीरों में जकड़ रखा है, इनके सारे पे काम करते हैं। मेरा बड़ा सीधा बेटा था। वापसी आ रहा था घर की तरफ, तो अचानक मैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हुए, कोई जो भी थे आतंकवादी थे, यहाँ के मुसलमान तो बहुत अच्छे हैं कि हमारा अब भी साथ दिया,
बस वो पाकिस्तान जिंदाबाद करके नारे लगाते हुए हाथों में कट्टे बंदूक सारी चीज थी। ब्रजपुरी में रहने वाले 27 साल के राहुल ठाकुर की मौत भी दिल्ली के दंगों में हुई है। राहुल ठाकुर जैसे ही अपने घर से बाहर निकले, गली में जाते ही सिर्फ 2 मिनट के अंदर उनको गोली लगी और उनकी जान चली गई। राहुल ठाकुर के पिता रेलवे में हैं। राहुल ठाकुर ने SSC का एग्जाम दिया था और 30 अप्रैल को उनका रिजल्ट आना था। परिवार ने अपना छोटा बेटा खो दिया है, बड़े बेटे का रो रो कर बुरा हाल है, माँ बदहवास है और हर किसी से पूछ रही है कि उसका बेटा वापस ला दे। राहुल के घर में इस वक्त हम मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, परिवार ने अपने जवान बेटे को खो दिया है, लेकिन खुद को संभालने की वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। माँ उनकी इस वक्त हमारे साथ हैं, पिता हैं, भाई हैं, उनके रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। लेकिन अभिषेक उनके बड़े भाई इस वक्त हमारे साथ हैं, जो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहे क्योंकि उन्होंने अपने छोटे भाई को अपने साथ में जाते हुए देखा है। अभिषेक, बहुत प्यार था आपका अपने भाई के साथ। प्यार नहीं जी, मैं क्या बताऊं, मेरा क्या था उसके साथ, मैं क्या, वो मेरे लिए जीता था बस। मेरे भाई को कष्ट नहीं होना चाहिए, मम्मी मैं वो यही कहता था बस हर बात में, इसका हाथ ही मेरा हाथ है, ऐसे ही हर जगह कहता था मैं ना, हर जगह यही कहता था कि मेरा हाथ ही इसका हाथ है, तू किस बात की फिक्र करता, मैं तेरे साथ हूँ ना, तू किस, हमेशा ऐसे ही कहता था, मैं क्या यूँ ही कहता रहता था मैडम, वो बस कहीं भी मेरी कोई बुराई नहीं सुनता था। उनकी माँ भी इस वक्त हमारे साथ हैं। संभालिए आप अपने आप को, आप साथ थी जब वो घर से निकले थे यहाँ पे तब? आप, मैं घर थी, वो जा रहा था, जाते के साथ ही 5 मिनट में कुछ क्या हो गया पता, गोली खा के आ गया बस, और मुझे कुछ नहीं। क्या कहकर निकले थे वो? मैं जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, फिर नहीं आए, नहीं। आपको क्या खबर मिली, किसने आके बताया? मुझे शोर लगा वहाँ, अभी के भाई के गोली लग गई। हमसे भी गुहार लगा रही है कि क्या मेरा बेटा मुझे लाकर वापस दे सकते हो? परिवार के बाकी सदस्य भी यहाँ पर हैं और हर एक की जुबान पर बस इतना ही कहना है कि होनहार बच्चा, हमारा लाडला बेटा, घर का सबसे छोटा बेटा आज हमारे बीच नहीं है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ओल्ड मुस्तफाबाद में रहने वाले इस परिवार के बेटे जाकिर को भी दंगों ने छीन लिया। जाकिर की 4 बहनें अपने भाई की याद में बदहवास हैं। जाकिर की बीवी का रो रो कर बुरा हाल है। जाकिर की 2 छोटी-छोटी बेटियां अपने पापा को याद कर रही हैं। जाकिर एक कारखाने में काम करके अपना परिवार चला रहे थे। जाकिर के परिवार वालों के साथ इस वक्त हम हैं। उनकी 4 बहनें हैं और जाकिर दूसरे नंबर के भाई थे। उनकी 2 बेटियां और उनकी पत्नी इस वक्त हमारे साथ हैं। हालांकि सुध-बुध वो अपनी खो चुकी हैं। परिवार का हर सदस्य इस वक्त दुखी है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अगर वो हमसे बात कर सकें। आप ठीक हैं मुस्कान? मुस्कान, उनका भी तो ख्याल रखना है ना, संभालने वाले तो रहे नहीं। संभालिए अपने नमाज पढ़ने जा रहे हैं, वापस नहीं आए। मतलब वो ऐसा इंसान था, वो घर में बैठने वाला ही नहीं था, वो दूसरों की मदद करने वाला था, उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, सिर्फ खुदा की इबादत में रहा। वो गलत बोलते भी नहीं थे किसी को, बस वो जिंदगी बीत गई, कभी किसी को उन्होंने ऐसी बात भी नहीं बोली कि इतनी सी भी ठेस पहुंचाई हो उन्होंने कभी। बच्चों को बचा रहे थे, बहुत बहुत ज्यादा सबकी भलाई में लगा रहा था, हमेशा सबका अच्छा ही चाहते थे वो, कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, कोई उन्हें बुरा कहता भी था तो कहते थे कोई बात नहीं, बस उसका निकलते रहेगा गोली। मुझसे भी कहते थे मुस्कान जरूर नहीं है, कोई बुरा करे तो वो बुरा ही हो,
जरूरी नहीं है किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी को भी नहीं। कोई तुम्हारे साथ गलत करे तब भी उसे अच्छा ही करो उसके साथ। वो पता था? नहीं पता कुछ भी, नमाज पढ़ने गए थे अचानक से, पता नहीं क्या क्या हुआ वहाँ पे, बता रहे कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है। ओल्ड मुस्तफाबाद में उस वक्त हालात क्या थे? क्योंकि जाकिर के परिवार हमें बता रहे हैं कि उन्होंने कोशिश की कि जल्द से जल्द हालात को देखते हुए कुछ बच्चों को यहाँ पर बचाया जाए। क्या माहौल उस वक्त था? इस पूरे रास्ते को मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहती हूँ, क्योंकि क्या हालात हर जगह यहाँ बिगड़ चुके थे इस वक्त? हालात ये थे, अंदर तो गलियों में ठीक था, लेकिन जो सिब्बिहार में और इधर उधर लोग थे उनको एक एक करके टारगेट करके उनको मार दिया गया। और जो बाहर मेन रोड का हिस्सा था, जो मस्जिद हमारी मेन रोड पर है, उससे जो लोग नमाज पढ़ के निकले तो उन पर पथराव भी किया और गोलियाँ भी चलाई गई। दंगे में मरने वाले ज्यादातर लोग बहुत गरीब परिवारों से हैं। ओल्ड मुस्तफाबाद में ही एक परिवार के दो बेटों की मौत हो गई। 17 साल के हाशिम और 27 साल के आमिर अपने पिता के साथ जीन्स बनाने का काम करते थे। एक 15 साल का बेटा और एक 25 साल का बेटा, उसकी भी आगे परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं। पिता इस वक्त घर पर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। जो दो बेटे अपनी नानी को छोड़ने के लिए बाहर निकले थे, लोनी की तरफ शायद उन्हें जाना था, और वो उस हिंसा की भेंट चढ़ गए, उसके बाद कभी वापस अपने परिवार के पास नहीं लौट सके। हाशिम ड्राइवर का काम करके भी पैसे कमाता था। दोनों पास में ही अपनी नानी से मिलने गए थे, लेकिन उनका फोन अचानक नॉट रीचेबल हो गया, दोनों गायब हो गए। आमिर की शादी हो चुकी है, उसकी दो बेटियों को अब पिता के बिना ही जीवन गुजारना होगा। मेरा भैया का क्या कसूर था जो अपनी ऐसी बच्चियों को छोड़ के चला गया? कौन से भाई हैं आपके दोनों? क्या नाम? आमिर खान। और आमिर बड़े भाई हैं जी? और दूसरे हाशिम अली छोटा है। क्या उम्र उनकी? आमिर खान की 27-28 है और हाशिम अली की 17, हाशिम अली की 17। और मेरे मासूमों का क्या कसूर था? दीदी बहुत बुरा हाल कर आए, दुनिया चढ़ गई। शबीना आप ठीक हो? उन्हें तो कुछ भी ना हो सके था, अरे हौसला करना शबीना, अल्लाह कुछ भी होश नहीं। पानी पिलाइए, इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, होश ही नहीं है इन्हें इस वक्त। इनसे बात करना तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा, लेकिन हम खुद यहाँ परिवार के लोगों को कह रहे हैं कि किसी तरह इन्हें पानी पिलाएं, संभालने की कोशिश करें इन्हें। यमुना विहार में रहने वाली प्रीति गर्ग अपने परिवार के साथ बरसों से इसी घर में रहती हैं। उनके घर का इलाका चांद बाग के ठीक सामने है। यहाँ CAA और NRC के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने घर को आग के हवाले कर दिया था। बड़ी मुश्किल से दो बच्चों को जलते हुए घर से बाहर निकाला गया। ये गर्ग परिवार का फ्रंट गेट है, बी ब्लॉक ये पड़ता है बिल्कुल चांद बाग के सामने, और देख सकते हैं कि कैसे फ्रंट से इस पूरे घर को आग के हवाले कर दिया गया था। जिस तरीके से भीड़ जो है वो सामने से आती है, हजारों की संख्या में लोग थे, और कैसे इस घर को आप देख सकते हैं कि फ्रंट से पूरे तरीके से आग के हवाले कर दिया। तेजाब आप देखेंगे किस तरीके से तेजाब जो है वो इस दीवार पर मारा गया था। जिस घर के अंदर हम मौजूद है वहां पर एक महिला है अपने दो बच्चों के साथ में, जिस दिन दंगाई जो है वो इस इलाके में चांदबाग से यमुना विहार के अंदर एंट्री करते हैं, कई घरों में आग लगाते हैं। जो बच्चे आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो बच्चे हैं, और प्रीति गर्ग जो है वो यहाँ पर है। इन छोटे बच्चों को, क्योंकि आग पूरे घर के फ्रंट में लगा दी गई थी और बच्चों को किसी तरह घर से निकालना था, तो यहां से आप देख सकते हैं ये जो पीछे की जो बालकनी है यहां से नीचे की तरफ बच्चों को जो है वो लटकाया जाता है, और उसके बाद जो नीचे कुछ लोग खड़े हुए थे वो इन बच्चों को नीचे पकड़ते हैं। आप देख सकते हैं काफी तकरीबन 10 फीट की ये ऊंचाई होगी और यहां से बच्चों को लटकाया जाता है, और जो लोग नीचे खड़े हुए थे वो लोग यहां पर इन बच्चों को पकड़ते हैं और उसके बाद यहां पर सेफ साइड में लेकर जाते हैं, क्योंकि जो फ्रंट साइड है वहां पर पूरे तरीके से आगजनी जो है वो दंगाइयों ने कर दी थी। तो हालात का अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरीके के हालात जो हैं वो जिस दिन दंगे फैले थे उस समय किस तरीके के रहे होंगे। प्रीति गर्ग जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। प्रीति, सबसे पहले तो जिस दिन दंगा हुआ काफी भयावह हालात जो है वो इस पूरी यमुना विहार इलाके के थे, हमने देखा काफी गाड़ियां यहाँ पर जली हुई थी, आपके घर के अंदर आग लगाई गई। काउंटिंग नहीं है गाड़ियों की, टू व्हीलर की कोई काउंटिंग नहीं है भैया, जितनी थी सबकी। घर हमारे तो घर के अंदर भी जली है,
घर के अंदर मेरी स्कूटी थी, वो भी अंदर से भी जलाई गई है। सारा फ्रंट, सारी स्कूटी, सारे तीनों के तीनों मीटर, सारी वायरिंग, सब कुछ तो नीचे से भैया टोटली ऊपर से लेके नीचे, सारे कांच के मिरर, ग्लास, सब कुछ हमारे देखते देखते सब वो है भैया। कहाँ से ये लोग आए थे? सामने चांदबाग से। मैं काफी 42-45 दिन से चांदबाग में बैठे हुए थे। आजादी आजादी करते थे, क्या करते थे पता नहीं, कैसे आजादी चाहिए थी। दिन रात शोर मचाए रखते थे। 2:30 बजे तक तो हम वैसे नहीं सो पाते थे। 2:30 बजे तक उनका पूरे 2:35 तक चलता था उनका रात के। आपका बड़ा बेटा कौन सी क्लास में? मेरा बड़ा बेटा 4th क्लास में है। छोटा? छोटा भी प्रेप में है। तो आप देख लीजिए, जो बड़ा बेटा है वो 4th क्लास में है। तो मम्मी ने यहाँ से, सबने, पापा ने यहाँ से नीचे आपको? हाँ, यहाँ से फेंका था और नीचे बहुत से लोगों ने मुझे पकड़ा था। इंडिया टीवी। डर गए थे आप भी? डर बहुत लग रहा था उस टाइम। क्या फील कर रहे थे उस टाइम पे? कि अब तो मर जाऊंगा सीधा और अब जान तो बचेगी ही नहीं। कि कैसे बीमार होकर आदमी मरता है या पैसे के अभाव में मरता है, लोगों की सुना करते थे। बच्चा एक नहा रहा है, एक खाना खा रहा है, बहू खाना बना रही है, मैं बैठी हूँ, अचानक से काला काला धुआं धुआं, पहले आंखें जली, फिर उस पूरे घर में मुझे आंखों से नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बच्चों को चिल्ला रही हूँ मैं, अरे बेटा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। देखा तो उधर भागे तो बंदे बंदे खड़े बाहर लेके बोतले बगा रहे हैं, सब कमरों में फेंक के जा रहे हैं। दिल्ली ने इस हफ्ते जो देखा है वो फिर कभी ना देखना पड़े। ऐसे बदकिस्मत दिन दिल्ली के लोग जल्दी से जल्दी भूल जाए, शहर में एक बार फिर अमन लौटे, बस यही दुआ है। वेलकम बैक। दिल्ली के दंगाग्रस्त इलाकों में अब हालात पूरी तरह से सामान्य हैं। लोगों के बीच डर और भय का माहौल खत्म करने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार गश्त कर रही है, फ्लैग मार्च के जरिए लोगों से मुलाकात कर रही है। दिल्ली के चांदबाग में इस वक्त भी पुलिस के आला अफसर पैदल ही प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल अब माहौल इन इलाकों में पूरी तरह से शांत है।